हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर मंदसौर जिले की शामगढ़ से। क्रांति दिवस के अवसर पर AIRF WCREU के आह्वान पर WCREU SGZ शाखा द्वारा रेल के निजीकरण नगमीकरण साथ ही रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों के लिए सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आज रेलवे स्टेशन शामगढ़ में प्रदर्शन कर रेल कर्मचारियों व आम जन को जागरूक किया गया। सभी को रेल के निजीकरण होने के बाद ही परिस्थितियों से अवगत कराया गया। अंत में सभी ने निजीकरण की इस लड़ाई में एकजुट रहने की अपील की गई। इसी के तहत आज शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। शामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। साथियों, पूरे देश के अंदर 9 अगस्त से रेल बचाओ देश बचाओ का एक अभियान चल रहा है और इसके अंदर भारत के जितने श्रम संगठन हैं सभी श्रम संगठन एक मंच पे आते हुए पूरे देश में इस मूवमेंट को चलाने का काम किया जा रहा है और विशेषकर जो भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा 109 रूट पे 150 गाड़ियों को निजी हाथों में सौंपने का काम किया जा रहा है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और उसके पीछे आशय भी यही है कि इससे रेल कर्मचारी का तो नुकसान होएगा, समय के साथ होएगा, लेकिन फर्स्ट डे से अगर सेकंड दिन से ही अगर किसी का नुकसान चालू होएगा तो देश की जनता का होने का काम होएगा। क्योंकि कोई भी प्राइवेट पार्टी जो आज भारत सरकार रेल मंत्रालय 100 प्रकार की सब्सिडी देते हुए ट्रेनों को चलाने का काम कर रहा है उस प्रकार कोई निजी कंपनी किसी को सब्सिडी देने का काम नहीं करेगी और इसके अंततः दुष्परिणाम भारत की जनता को, आम जनता को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को, सीनियर सिटीजन्स को, पत्रकारों को और जहां जहां सब्सिडी दे रखी उन सबको भुगतने का काम होएगा। और आज जो किराया रेल मंत्रालय का तय किया हुआ निजी हाथों में जाने के बाद किराया तय करने का अधिकार प्राइवेट पार्टी को रहेगा कि वो कितना, और इसकी कोई लिमिटेशन भी नहीं है उसको। जब यात्री घनत्व तो बढ़ेगा तो एयरलाइंस की तरह वो उसका किराया भी बढ़ाने का काम करेंगे तो इसका नुकसान देश की जनता को भी होगा और रेल कर्मचारियों को तो होना ही है। धन्यवाद।